हरतालिका तीज के व्रत में पानी पीना चाहिए या न पीना चाहिए, व्रत कब खोलना चाहिए। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को, माताओं बहनों को, भक्त जनों को हरताली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपके इस व्रत को निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न करें और आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो, यह प्रार्थना हम भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से करते हैं। आपका जीवन सुखमय हो और आपका कल्याण हो, इसी कामना के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं कि हरताली तीज का जो व्रत है वह कब खोलना चाहिए, साथ ही इस व्रत का पारणा अर्थात कौन सी वस्तु से इस व्रत को खोलना चाहिए, इस व्रत में पानी पीना चाहिए या न पीना चाहिए, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा ताकि सभी व्रत करने वाले भक्त जनों को यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी और हरताली तीज के दिन उन्होंने पूरी रात जागरण किया था और उसके बाद भोलेनाथ की जो है साधना आराधना की थी। उसके प्रभाव से भोलेनाथ उनको पति के रूप में प्राप्त हुए और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। यह व्रत जो है विशेष रूप से पति की लंबी आयु के लिए, साथ ही घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए किया जाता है और इस व्रत को करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सभी माताएं बहनें भक्त जन इस व्रत को करते हैं और चूंकि इस व्रत को माता पार्वती ने निर्जला किया था अर्थात बिना जल के ही कठोर तप करके किया था, चूंकि वो माता पार्वती थी इसलिए उन्होंने निर्जला इस व्रत को कर लिया था। आज के इस परिवेश में जो है निर्जला करना बहुत कठिन होता है, चूंकि आप जो है इस व्रत का संकल्प प्रातः काल से ही शुरू करेंगे और प्रातः काल से ही इसको निर्जला के रूप में संकल्प लेंगे। क्योंकि आप सभी के लिए निर्जला व्रत करना बहुत कठिन होता है और आज के इस दौर में निर्जला व्रत करना बहुत ही कठिन माना जाता है। हालांकि यदि आप इस व्रत को निर्जला रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपका शरीर साथ दे रहा है और आपके छोटे बच्चे नहीं है अर्थात आपके पेट में या बच्चा नहीं है, आप गर्भवती माताएं नहीं हैं या फिर आपका छोटा बच्चा जो कि दूध नहीं पीता है ऐसा बच्चा नहीं है, तो आप निर्जला व्रत निश्चिंत होकर के रख सकती हैं। और यदि आपके घर में छोटा बच्चा है या फिर आप गर्भवती है या फिर आप किसी शारीरिक कष्ट से पीड़ित है या फिर आपके शरीर में इतना सामर्थ्य इतनी शक्ति नहीं है कि आप निर्जला व्रत रख सकें, तो आप जो है सजला ही इस व्रत को करें। लेकिन ये ध्यान रखें कि आप प्रातः काल स्नान ध्यान करने के बाद पूजन कर लें और पूजन करने के बाद एक बार हरतालिका तीज की कथा जरूर सुन लें, उसके बाद ही आप जल पिए तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। अन्यथा आप यदि वैसे ही प्रातः काल से ही जल पीना शुरू कर देंगे तो आपको जो है इस व्रत के प्रभाव या पुण्य प्रभाव में कुछ कमी महसूस होगी। इसलिए आप ऐसा प्रयास करें कि इसको जो है एक पूजन तक या दो पूजन तक या फिर तीन पूजन, जितनी भी पूजा के तक आप इस व्रत को निर्जला रख पाएं तब तक आप इसको निर्जला रखने का प्रयास करें। और यदि आपसे संभव नहीं हो पा रहा है तो आप पूजन के पश्चात जल पी सकते हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि यह व्रत जो है सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक लगातार रहता है, क्योंकि अगले दिन जो है गणेश चतुर्थी भी रहती है। कई माताएं बहनें भक्तजन गणेश चतुर्थी का व्रत और उपवास भी करते हैं, क्योंकि व्रत का पारणा करना भी आवश्यक होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सूर्योदय से लेकर सूर्योदय अर्थात सूर्योदय से ही शुरू होगा और जैसे ही सूर्योदय होगा उसके पहले ही इस व्रत का आपको पारणा कर लेना चाहिए। पारणा आपको कौन सी वस्तु से करना चाहिए, देखिए भगवान भोलेनाथ को जो आपने प्रसाद के रूप में चढ़ाया है या तो वो फलाहारी वस्तु भी हो सकती है या अन्य संबंधी वस्तुएं भी हो सकती है, तो जब आप प्रातः 6 बजे उसके पहले ही आप जल्दी उठ करके भोजन पदार्थ निर्मित कर ले और भगवान को भोग लगा करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण कर ले तो आपके व्रत का पारणा हो जाएगा। यदि आपको अगले दिन चतुर्थी का व्रत है, क्योंकि व्रत
चतुर्थी का व्रत भी कई माताएं बहनें भक्तजन करते हैं, इसलिए आप यदि चतुर्थी का व्रत करते हैं तो आप जो है फलाहारी वस्तु जैसे फल हुआ, दूध से बनी मिठाई हुई, इन सब वस्तुओं से भी जो है व्रत का पारणा अर्थात व्रत को खोल सकते हैं। और यदि आपको चतुर्थी का व्रत नहीं करना है तो आप भोजन पदार्थ तैयार करें और सबसे पहले भगवान को भोग लगावें, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को भोग लगावें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण कर लें, तो आपको इस व्रत में घबराने की, डरने की, भयभीत होने की या आशंकित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जैसा आपका शरीर साथ दे वैसा ही इस व्रत को आप करने का प्रयास करें, क्योंकि भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप शरीर को कष्ट दे करके, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे करके मेरे लिए व्रत करो या पूजन करो। आपका शरीर जिस प्रकार से आपका साथ देता है, क्योंकि आत्मा में भी परमात्मा का निवास होता है और यदि हम आत्मा को कष्ट पहुंचाएंगे तो हम परमात्मा को कैसे प्रसन्न कर पाएंगे, इसलिए आपको अपनी आत्मा अर्थात अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके शरीर के अंदर एक आत्मा है और उस आत्मा में भी परमात्मा का निवास होता है। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात ये जो जीव है ये भी जो है ईश्वर का ही एक अंश है। इसलिए आप व्रत करें, सब कुछ करें, लेकिन आपकी आत्मा का अर्थात आपके शरीर का, आपके जीव का पूरी तरह से ध्यान रखें, क्योंकि शरीर का कल्याण करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है। सबसे पहला यदि कोई सुख है तो वो होता है शरीर सुख, इसलिए आपको शरीर का सबसे पहले ध्यान रखना होगा, सबसे पहले इसकी सुरक्षा आपको करनी होगी। इसको किसी भी प्रकार से ऐसी तृष्णा या प्यास या बहुत ज़्यादा कष्ट आपको नहीं देना है। भगवान भोलेनाथ की आप श्रद्धा के साथ व्रत करें, भावना के साथ करें, पूरे विश्वास के साथ करें, लेकिन अपने शरीर को देखते हुए ही व्रत करें। और व्रत में भी जैसे आप यदि निराहार रह सकते हैं तो निराहार रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप निराहार नहीं रह सकते हैं, आपको कोई बीमारी है या आप गर्भवती महिला है या फिर आपके घर में छोटा बच्चा है, तो आप निराहार बिल्कुल न रहें। इसके लिए आप जो है या तो दूध से बनी मिठाई का भगवान को भोग लगा करके, कथा श्रवण करके प्रसाद ग्रहण करें, और या फिर आप जो है फल या फल के जूस वगैरह भी आप ले सकते हैं, दूध का भी सेवन कर सकते हैं या अन्य कोई भी फलाहारी वस्तु। कोशिश करें कि यदि आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप नमक का त्याग करते हुए अन्य वस्तुओं को जो है भगवान को भोग लगा करके और स्वयं अंगीकार कर लेंगे तो कोई भी दोष नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो भी भक्त मुझे जो है श्रद्धा के साथ, भावना के साथ व्रत करता है, पूजा करता है, उसको मैं अंगीकार करता हूँ। यदि ज़बरदस्ती आप कोई व्रत करेंगे तो समझ लीजिए कि आप शरीर को कष्ट दे रहे हैं, और शरीर को ज़बरदस्ती कष्ट नहीं देना चाहिए। यदि आपका मन बोलता है, आपके मन में अत्यंत श्रद्धा है और विश्वास है, और आपका मन और आपका शरीर दोनों यदि एक मत हो तो आप निश्चित तौर से उपवास करिए, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और यदि आपका मन नहीं बोल रहा है और आप यदि चाहते हैं कि आप जल पिए तो आप एक बार पूजा करें और उसके बाद जलपान जरूर कर लें। और साथ ही ये भी कर सकते हैं कि जैसे ही सूर्योदय हो, जैसे कल का सूर्योदय 12 सितंबर 2018 बुधवार का जो सूर्योदय होगा वो अधिकतम शहरों में अधिकतम स्थानों पर जो है लगभग 6 बजे सूर्योदय हो जाएगा, तो सूर्योदय के पहले आप थोड़ा बहुत जल या फल या फिर दूध से बनी कोई भी मिठाई का जो है सेवन कर लेंगे सूर्योदय के पहले पहले, तो भी आपका व्रत भंग नहीं माना जाएगा। आप पूरे दिन निराहार रहें, निर्जला रहें, बिना फलाहार के रहें, बिना नमक के रहें, तो कोई आपके लिए कोई परेशानी वाली बात नहीं रहेगी। तो इस व्रत को आप जो है इस प्रकार करें, और व्रत का पारणा आपको अगले दिन अर्थात 13 सितंबर के सूर्योदय के पहले पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान की 4 प्रहर की पूजा होगी। पहला प्रहर शुरू होगा 12 सितंबर को शाम को 6 बजे से, दूसरा प्रहर शुरू होगा रात को जो है 9 बजे से,
तीसरा प्रहर शुरू होगा रात्रि को मध्य रात्रि 12 बजे से, और उसके बाद जो अगला प्रहर शुरू होगा वो रात्रि 3 बजे से शुरू होगा जो कि सुबह 6 बजे तक समाप्त हो जाएगा। चौथे प्रहर की पूजा करने के बाद, आरती करने के बाद आप व्रत का पारणा करें और भगवान को भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण कर ले तो निश्चय ही आपका व्रत सफल माना जाएगा। व्रत का पारणा करना बहुत ही आवश्यक होता है, यदि व्रत का पारणा नहीं किया जाए तो व्रत सफल नहीं होता है, इसलिए आप हरतालिका तीज व्रत करने जा रहे हैं तो व्रत का पारणा जरूर ही अगले दिन सूर्योदय के पहले पहले कर लीजिएगा। तो हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।